वेलकम टेक वेट गुरु, मैं आपका विकास, आप मैं चैनल फिर स्वागत करता हूँ। तो आज हम लोग बात करेंगे ट्रिपल सी के मॉक टेस्ट, जो हमारा सीरीज चल रही थी मार्च के एग्जाम के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एमएस वर्ड के चल रहे हैं इस समय। तो इसी तरह से आपको कंटिन्यू मिलेंगे एमएस एक्सेल के, एमएस पावर पॉइंट के, एमएस एक्सेल के, इंटरनेट के सभी के आपको क्वेश्चन मिलेंगे मॉक टेस्ट, जो कि डेली बाय डेली मैं आपको 30 क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ। ज्यादा क्वेश्चन को नहीं ले रहा क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाती है। चलिए देखते हैं किस प्रकार के आपके लिए मॉक टेस्ट हैं आज के। तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको इसी तरह के मॉक टेस्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सारे राइट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन किस प्रकार से है। और सारे क्वेश्चन रिपीटेड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको जरूर इनमें से कोई ना क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन है, रिप्लेस कमांड की सहायता से डॉक्यूमेंट में दी गई कौन कौन सी चीज़ों को बदला जा सकता है। तो अगर आप रिप्लेस कमांड का यूज करेंगे, जाके अपने एमएस वर्ड में, एमएस वर्ड ओपन करें, वहां पे आपको रिप्लेस कमांड मिल जाएगा। तो उसमें आप क्या क्या चेंज कर सकते हैं, ग्राफ, एनोटेशन, फुट नोट, एंड नोट और टेक्स्ट फॉर्मेट ग्राफिक्स। तो ये सारी चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं। तो बिल्कुल सही है, इसका आंसर आपका बनेगा फर्स्ट का डी बनेगा, यानी कि उपरोक्त सभी। अगर आप रिप्लेस कमांड का यूज करते हैं तो आप सारी चीज़ें इसमें से करेक्शन कर सकते हैं, तो इसलिए ऑप्शन बनेगा फर्स्ट का डी। सेकंड क्वेश्चन है, कट व कॉपी करने पर सिलेक्टेड टेक्स्ट कहाँ चला जाता है। अगर आप कोई टेक्स्ट या कॉपी को सिलेक्ट करते हैं तो वो आपका कहाँ जाता है फिर, रिसाइकल बिन में जाता है, माई कंप्यूटर में जाता है, क्लिपबोर्ड में या डेस्कटॉप में। कट व कॉपी करने पर आपका सिलेक्ट वाला जो डॉक्यूमेंट वो कहाँ जाता है, तो ऑप्शन बनेगा रिसाइकल बिन में नहीं जाता है, वहाँ जब भी जाएगा जब वहाँ पे आप डिलीट करेंगे। जैसे मान लीजिए आपने कुछ सेलेक्ट किया है, उसको कॉपी कर लिया, तो वो आपका कहाँ जाएगा, आप देखते होंगे वहाँ पे वो हल्का हाईलाइट जैसा बन जाता है, तो वो आपका वो क्लिप बोर्ड में चला जाता है। तो इसलिए ऑप्शन बनेगा यहाँ पे सी बनेगा, वो आपका जाता है क्लिप बोर्ड में, उसका जब आप पेस्ट कर देते हैं तो वहाँ पे वो शो होने लगता है, तो ऑप्शन बनेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यू में हेडर, फुटर, बैकग्राउंड आदि स्क्रीन पर प्रदर्शित होती हैं। तो किस व्यू में आपकी होंगी, ड्राफ्ट व्यू में, वेब लेआउट व्यू में, या लाइन लाइन आउटलाइन व्यू में, या प्रिंट लेआउट में। तो ये व्यू आपके कहाँ पे होते हैं, अगर आपने कभी देखा हो, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे देखते हैं, प्रिंट लेआउट, फुल स्क्रीन रीडिंग, वेब लेआउट, आउटलाइन और ड्राफ्ट। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे अपने सॉफ्टवेयर में तो यहाँ पे आपको सारे ऑप्शन मिल जाएंगे जो कि इस क्वेश्चन में आपके पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन आपका किस प्रकार से है, किस व्यू में हेडर, फुटर, बैकग्राउंड आदि स्क्रीन पर प्रदर्शित होती हैं। तो इसका ऑप्शन बनेगा थर्ड का डी, ऑप्शन बनेगा प्रिंट लेआउट। प्रिंट लेआउट पर जब आप जाएंगे तो आपको हेडर, फुटर, बैकग्राउंड आदि स्क्रीन सभी चीजें आपको प्रदर्शित होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यू में डॉक्यूमेंट साधारण रूप से फॉर्मेटिंग के बिना नजर आता है। तो नॉर्मल व्यू, वेब लेआउट, आउटलाइन या डेस्कटॉप। तो फोर्थ का ऑप्शन बनेगा डी, नॉर्मल व्यू आपको मिलता ही नहीं है और डेस्कटॉप व्यू आपको नहीं मिलता है, तो ऑप्शन बनेगा यहाँ से, दो ऑप्शन तो आपसे ऐसे कम हो गए। तो मैंने आपको भी ऑप्शन भी दिखा दिए सारे, कौन कौन से ऑप्शन होते हैं वहाँ पे, तो उन्हीं पे अगर आपको रिलेटेड क्वेश्चन मिलता है तो आप आसानी से आंसर टिक कर सकते हैं, तो फोर्थ का ऑप्शन बनेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट को स्वतः ही सही करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, ऑटो करेक्ट का, या ऑटो कंप्लीट फीचर का, या बिल्डिंग ब्लॉक्स का, या फॉर्मेटिंग का। ऑटोमेटिक अगर ठीक करना है तो फिफ्थ का ऑप्शन बनेगा ए, ऑटो करेक्ट फीचर। ऑटो करेक्ट फीचर का यूज करके हम लोग डॉक्यूमेंट को स्वतः ही सही कर सकते हैं, तो ऑप्शन बनेगा फिफ्थ का ए। सिक्स नंबर है, कौन कौन सी कमांड के लिए एक ही डायलॉग बॉक्स होगा। कौन सी कमांड की है जिसके लिए सब, अगर उसको ओपन करना है आपको डायलॉग बॉक्स को, तो सबके में एक ही चीजें आपको मिलेंगी, जैसा कि ऑप्शन में दिया गया है, फाइंड गो टू, गो टू रिप्लेस फाइंड, फाइंड क्लियर गो टू, क्लियर गो टू रिप्लेस। तो सिक्स का ऑप्शन बनेगा आपका बी, ऑप्शन बनेगा गो टू रिप्लेस और फाइंड। ये सारी चीजें आपको एक ही डायलॉग बॉक्स के अंदर मिल जाएंगी, तो सिक्स का ऑप्शन बनेगा बी। कंट्रोल जी आप दबा के देख लें, कंट्रोल एफ दबा के देख लें, आपका डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, उसके अंदर सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी कौन कौन सी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रिबन टैब वर्ड 2007 में नहीं होता है। तो 2007 में कौन सा रिबन टैब नहीं होता है, तो ऑप्शन बनेगा बी, टूल टैब आपका नहीं होता है। होम मिलेगा, पेज लेआउट, इंसर्ट आपको मिलेगा, टूल टैब को आपका हटा दिया गया है, तो सेवन का ऑप्शन बनेगा बी। एट नंबर है, सेव एस कमांड द्वारा हम अपने डॉक्यूमेंट फाइल को किस फॉर्मेट में सेव करते हैं। सेव एस कमांड के द्वारा, एचटीएमएल में, एक्सएमएल में, वेब पेज में, या ऑल ऑफ एबव।
तो जब हम लोग यूज करते हैं सेव एज कमांड का, तो वहां पर जब आप जाएंगे, जैसे कि आपको दिखा देते हैं किस प्रकार से यूज होता है ये। तो यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर सेव एज पे अगर क्लिक करते हैं तो आपको देखते हैं कितने ऑप्शन मिलते हैं। वर्ड फाइल में कर सकते हैं, वर्ड टेम्पलेट, वर्ड 2097, 2003 में, और अदर फॉर्मेट में। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको बनना चाहिए इसको देखने के बाद। तो यहाँ पे सभी फॉर्मेट आपके होंगे कि आप किसी भी फॉर्मेट में इसको सेव कर सकते हैं। तो हेयर का ऑप्शन बनेगा डी। अगर सेव एज का प्रयोग करते हैं F12। प्रिंट कमांड में पेज रेंज में कौन कौन सा ऑप्शन होता है? प्रिंट कमांड में पेज रेंज में अगर आप जाएंगे, ऑल करंट पेज या पेजेस या उपरोक्त सभी, तो प्रिंट कमांड में आपको जाना है और देखना है पेज रेंज में कौन कौन से ऑप्शन है। तो 9th का जो ऑप्शन बनेगा, यहाँ पे ऑप्शन बनेगा उपयुक्त सभी। तो इसके लिए आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो प्रिंट के ऑप्शन में आप देख सकते हैं प्रिंट, क्विक प्रिंट, यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन आपको मिलते हैं वो आप यहाँ पर जाके प्रिंट के ऑप्शन में जाके देख सकते हैं। तो सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कमांड से डॉक्यूमेंट को ईमेल द्वारा किसी को भी मेल भेज सकते हैं? तो किस कौन सा कमांड यूज करेंगे? प्रिंट कमांड द्वारा, सेंड टू कमांड, गो टू कमांड, या ए तथा बी दोनों? तो 10th का ऑप्शन बनेगा सी का, सी ऑप्शन बनेगा गो टू के माध्यम से। आप गो टू कमांड के माध्यम से डॉक्यूमेंट को ईमेल द्वारा किसी को भी भेज सकते हैं। तो ऑप्शन बनेगा 10th का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले से सेव किए गए डॉक्यूमेंट को किसी अन्य नाम से सेव करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो अगर कोई डॉक्यूमेंट आपका पहले सेव है उसको अन्य नाम से सेव करने के लिए कौन से टूल का या कौन से कमांड का यूज करेंगे? होम का, टूल का, पेज लेआउट या इंसर्ट? तो 11th का ऑप्शन बनेगा टूल कमांड का, बी ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, हेडर व फुटर ऑप्शन किस कमांड की सहायता से बदले जाते हैं? तो हेडर और फुटर को आपको बदलना है तो किस कमांड का यूज करेंगे? पेज सेटअप, हेडर एंड फुटर, या न्यू, या ए और बी दोनों? तो 12th का ऑप्शन बनेगा बी, हेडर और फुटर के ऑप्शन पर जाके आप उसको सिंपल सा बदल सकते हैं। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया किस प्रकार से इसको यूज करते हैं। तो हेडर फुटर का यूज करना है तो अपने यहाँ पे जाकर डबल क्लिक करेंगे तो ये आपका हेडर आ जाएगा, और नीचे आएंगे यहाँ पे क्लोज हेडर फुटर का ऑप्शन मिल जाएगा, या फिर इंसर्ट में जाके भी आपको हेडर फुटर का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं हेडर फुटर का ऑप्शन आपको आपको बाय डिफॉल्ट मिलता है, तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, यहाँ से भी आप लगा सकते हैं। तो ऑप्शन बनेगा हेडर फुटर, बी ऑप्शन बनेगा 12th का। 13 नंबर है, वर्ड में नया डॉक्यूमेंट किस टेम्पलेट पर आधारित होता है? तो नया डॉक्यूमेंट आपका जो होता है वो आपका 13 का ऑप्शन बनेगा बी बनेगा, यानी कि नॉर्मल होता है उसमें कोई आपका बाय डिफॉल्ट सारी चीज़ें होती है, फॉन्ट का साइज हो गया, फॉन्ट हो गया, और पेज व्यू हो गया उसका किस प्रकार से है, तो वो सारा आपका नॉर्मल होता है। तो 13 का ऑप्शन बनेगा बी। 14 नंबर है, वर्ड की फाइल में क्या क्या होता है? टेक्स्ट होता है, ग्राफिक्स, टेबल? तो वर्ड की फाइल में आपके सभी होते हैं, टेक्स्ट, ग्राफिक्स और टेबल आपके। तो ऑप्शन बनेगा डी, सिंपल सा क्वेश्चन है ये। लास्ट क्वेश्चन है इसका, सिलेक्टेड लाइन को इटैलिक करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है? तो इटैलिक करने के लिए मैंने आपको बताई है कंट्रोल आई, कंट्रोल आई से इस प्रकार से आप इटैलिक करके लिख सकते हैं। मोटा करना है, बोल्ड करना है, कंट्रोल बी, तो इस प्रकार से। अंडरलाइन करनी है इसके नीचे तो यू, इस प्रकार से। स्ट्रेट लाइन करनी है इस प्रकार से, तो इस प्रकार से। सारे शॉर्टकट की आपको वहाँ पे बताई गई है। तो 15 का ऑप्शन बनेगा डी। नेक्स्ट बढ़ते हैं इसमें पार्ट नंबर सेकेंड में, इसी के मॉक टेस्ट में उसको देखते हैं कंटिन्यू। तो उसमें पहला क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट में माउस द्वारा एक लाइन को सिलेक्ट करने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है? डॉक्यूमेंट में आपको माउस से सिलेक्ट करना है एक लाइन को, तो 3 बार क्लिक करके, 2 बार क्लिक करके, 4 बार, या स्क्रोल बार बटन को दबा के? तो कितनी बार माउस से सिलेक्ट होगा? तो ऑप्शन बनेगा ए, 3 बार क्लिक करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट के द्वारा लाइन होगी आपकी वो सिलेक्ट हो जाएगी। तो ऑप्शन बनेगा इसमें ए ऑप्शन बनेगा 3 बार। इसको आप आजमा के देख सकते हैं प्रैक्टिकल के रूप में। सेकंड है, किस कमांड की सहायता से हमें अपने डॉक्यूमेंट में पूर्व परिभाषित टेक्स्ट डाल सकते हैं? तो किसके माध्यम से पूर्व टेक्स्ट डाल सकते हैं? ऑटो करेक्ट, ऑटो टेक्स्ट, बोथ, या नन ऑफ अबव? तो सेकंड का ऑप्शन बनेगा आपका बी, ऑटो टेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष चिन्ह को इंसर्ट करने के लिए कौन सा कमांड यूज करते हैं? तो विशेष चिन्ह आपके वही होते हैं, सिंबल हो गए आपके इस प्रकार से। तो किसी भी प्रकार के ये हो सकते हैं आपके इस प्रकार से, एक्सप्लेनेशन मार्क, तो किसी भी प्रकार के आपके हो सकते हैं सिंबल ये, तो इनको सिंबल कहते हैं। तो 3rd का ऑप्शन बनेगा बी, सिंबल। इनको कहते हैं स्पेशल चिन्ह कह सकते हैं, स्पेशल करेक्टर कह सकते हैं, या चिन्ह कह सकते हैं। 4th नंबर है, वर्ड में नई फाइल बनाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है? तो वर्ड में न्यू फाइल आपको बनानी, तो सिंपल सा है कंट्रोल एन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइल को खोलने के लिए कौन सी कुंजी है? तो फाइल को ओपन करना है तो सिंपल सी कमांड है कंट्रोल ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बटन द्वारा हेडिंग, सब हेडिंग व बॉडी टेक्स्ट को छुपाया जाता है? तो किसके द्वारा करते हैं, आपको हेडिंग वगैरह छुपानी है तो 6 का ऑप्शन बनेगा कॉलएप्स। कॉलएप्स के द्वारा आप इनको हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैक्स इनवाइस या व्यावसायिक पत्र भेजने जैसे कार्य करने के लिए एक पहले से डिजाइन किया हुआ डॉक्यूमेंट होता है, उसको कहते हैं टेम्पलेट, फाइल, फॉर्म या डेटाबेस। तो 7 का ऑप्शन बनेगा ए टेम्पलेट। आपका टेम्पलेट होता है बना बनाया, जिसको आप एडिट करके व्यावसायिक कार्यों के लिए डिजाइनिंग के रूप में आप उसको भेज सकते हैं। एट नंबर है, पेज पर उपस्थित किसी शब्द के बारे में उसी पेज के नीचे लिखा हुआ छोटा विवरण क्या होता है? मान लीजिए कोई आपने टेक्स्ट लिखा, उसके नीचे कोई विवरण डाल दिया, उसको उसको क्या कहेंगे, हेडर, फुटर, एंड नोट या फुट नोट? तो 8th का ऑप्शन बनेगा आपका डी बनेगा, फुट नोट उसको कहेंगे। इस तरह से कमेंट डालने का काम आपका करता है ये किसी भी टेक्स्ट में, किसी भी आप उसमें लिखते हैं लेटर वगैरह उसमें। 9 नंबर, बाएं तरफ से किसी अकेले करेक्टर को मिटाने के लिए आप किसकी कुंजी का यूज करेंगे? तो आपने कोई करेक्टर लिखे हुए हैं यहाँ पे इस प्रकार से, तो बाएं तरफ का कुंजी को आपको मिटाना है, तो उसके लिए डिलीट, बैक स्पेस, इंटर या स्पेस बार। तो यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ स्पेस बार कर लें, बड़ी वाली बटन जो होती है आपकी सबसे बड़ी, स्पेस बार। तो 9th का ऑप्शन जो बनेगा वो ऑप्शन बनेगा बी बैक स्पेस। यहाँ पे मान लीजिए आपका कर्सर है, जब आप यहाँ पर कर्सर आपका रहेगा इधर वाला आपको मिटाना है, तो आप बैक स्पेस दबा के इसको मिटा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ऑप्शन के द्वारा सभी टूल बॉक्स स्क्रॉल बॉल टाइटल बार आदि स्क्रीन से हट जाते हैं? तो किस टूल के माध्यम से सारी चीज़ें हटा सकते हैं? बॉक्स, टूल बॉक्स हटाना है आपको, स्क्रॉल बार हटाना है, टाइटल बार हटाना है, तो किस प्रकार से, फुल स्क्रीन, जूम, हाइड और शो। तो 10th का ऑप्शन बनेगा ए फुल स्क्रीन। फुल स्क्रीन पर कर देंगे तो आपका सारी चीज़ हट जाएगी, जिस प्रकार से आप देख सकते हैं अभी जो स्लाइड चल रही है वो फुल स्क्रीन पर चल रही है, जिसके माध्यम सारे मेनू आपके आपके हाइड हो गए। 11 नंबर है, पिक्चर कमांड द्वारा पिक्चर को कहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं? तो पिक्चर कमांड के द्वारा पिक्चर आप कहाँ से यूज कर सकते हैं, ऑटो सेव, चार्ट, फाइल, फाइल फ्रॉम फाइल या फिर उपरोक्त सभी। तो 11th का ऑप्शन बनेगा फॉर्म फाइल। अब फाइल में जाकर उसको इस प्रकार से डायलॉग बॉक्स आपको मिलेगा, तो यहाँ से आपकी ड्राइवें रहेंगी, इस पर आप जाके सिलेक्ट करके अपनी फोटो को इंसर्ट कर सकते हैं। 12 नंबर है, हेडर व फुटर ऑप्शन किस कमांड की? तो हेडर फुटर आपके बदले जाते हैं, बी ऑप्शन बनेगा हेडर फुटर के ऑप्शन से आप इसको बदल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूज पेपर कॉलम के लिए समान एप्लीकेशन कौन सी है? न्यूज पेपर अगर आपको लिखना है इसमें, तो 13 का ऑप्शन बनेगा बी बनेगा न्यूज लेटर। न्यूज लेटर का यूज करके आप इसमें न्यूज कॉलम को यूज कर सकते हैं, तो 13 का ऑप्शन बनेगा बी। 14 नंबर, टूल बार कमांड की सहायता से क्या किया जाता है? तो टूल बार कमांड की सहायता से आप सभी काम कर सकते हैं, यानी कि विभिन्न टूल बार को स्क्रीन पर ऑन ऑफ कर सकते हैं, नए टूल बार को बना हटा सकते हैं या टूल बार का नाम बदल सकते हैं, तो ऑप्शन बनेगा उपयोग सभी। 15 नंबर है, रूलर कमांड का क्या कार्य होता है? तो रूलर बार को दिखाता है या छुपाना है, टूल बार का नाम बदलता है या टेक्स्ट फॉर्मेटिंग या इनमें से कोई नहीं। तो 15 का ऑप्शन बनेगा रूलर बार को दिखाना या छुपाने का काम करता है। तो रूलर का ऑप्शन आपको इस प्रकार से मिलता है, उस पर अगर आप क्लिक कर देंगे इस प्रकार से तो आपका हट जाएगा या नहीं हटेगा, तो उसमें आप टिक करेंगे तो आपका वो काम करने लगेगा। तो 15 का ऑप्शन बनेगा बी। तो ये तो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके फरवरी एग्जाम में हेल्पफुल होंगे, तो इनको जरूर तैयार करें, क्योंकि आपके एमएस वर्ड के क्वेश्चन हर बार आपको मिलेंगे। 60% पोर्शन आपको एमएस वर्ड का पूरा मिलेगा, एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट को मिला के। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।